Hi guys, नमस्ते. How are you all? Hope you all are doing well. तो आज संडे है, मैंने शॉवर ले लिया है कप का. आंटी भी सुबह में काम करके गए, पूरे घर का काम उतार दिया है. अभी मेरे आफ्टरनून के लंच की तैयारी होगी. आज लंच में है सिंपल चना और राइस, वाइट चने और राइस बनाऊंगी. वैसे मोस्टली हम राइस ही खाते हैं आफ्टरनून में, क्योंकि सुबह में हमारी नाश्ते पे कोकी या तो फिर हैवी बनता है, तो इसलिए आफ्टरनून में हबी बोलते हैं नहीं राइस ही बना, फिर रात को भी रोटी होती है, तो उसकी वजह से आफ्टरनून में राइस ही खाते, साथ में रोटी भी नहीं खाते. बोलते बिल्कुल लाइट है, क्योंकि पूरा दिन रोटी हो जाती है तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसकी वजह से आफ्टरनून में राइस ही बनाते हैं. तो उस हिसाब से ऐसे देखते हैं ग्रेवी वाली कुछ सब्जी बनाऊँ, उस हिसाब से बनाऊँ जो राइस के साथ अच्छी लगे. तो सिंपल वाइट राइस और चने ही बनाऊँगी आज. तो अभी चलते हैं किचन में. सो गाइस, अभी आफ्टरनून के 4 बजे हैं. मैंने अपना लंच भी कर लिया, चना और राइस सिंपल ही खाया बनाया था आज, बहुत अच्छे बने थे, वो खा लिया. आंटी भी आ गए थे आज जल्दी, जब तक खाना बन रहा था मेरा आंटी भी आ गए. तो आज उनको काम नहीं था, इतना कम था, एक घर कम था, तो बोले मैं जल्दी आ गई आज. फिर फटाफट मेरा हो गया था, खाली करके दिया आंटी को. मैंने बोला हम लोग खा लेते, आप अपना कर लो भले काम. आंटी भी करके गए, इसके बाद फ्री होके बैठी, थोड़े रील्स शूट किए मैंने. जिस दिन लगता है ना अच्छा, उस दिन फ्री बैठी हूँ आज, तो मैं रील्स शूट कर लेती हूँ इंस्टा पे.
खाना खा के आंटी गए, उसके बाद मैंने रील्स शूट किए बैठ के, दो तीन ही शूट किए, इतने नहीं शूट किए। देखती हूँ जो सॉन्ग अच्छे लगे वो चूज करके रील्स शूट कर देती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज हो जाती हूँ। डेली नहीं कर पाती हूँ, जो भी है पहले वाले वीडियोस टिकटॉक है वो ही अपलोड कर लेती हूँ, बाकी ऐसे कभी कभी लगा तो न्यू वीडियोस मैं अपलोड कर लेती हूँ, बना के शूट कर लेती हूँ। तो अभी बस हमारे सोने का टाइम है, थोड़ी देर सो जाऊंगी, फिर उठ के चाय पीऊंगी, आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। नहीं, आफ्टरनून का काम हो जाए उसके बाद मुझे पूरा दिन ऐसे लगता है अभी मैं फ्री ही हूँ, कुछ इतना बड़ा काम नहीं लगता है। इवनिंग में भी क्या करना होता है, चाय बनाओ, अपने अटेंसेस लगा लो, आंटी अभी करके गई, जब तक सूख जाएंगे इतने घंटे हो जाते, अटेंसेस अच्छे से सूख जाते, फिर वो इवनिंग में उठ के चाय पी के बाद में ही लगाती हूँ मैं आराम से। तभी भी फिर अब भी आएंगे 7:30 7 बजे तक आ जाते, तभी खाएंगे नाश्ता तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो खाली मिल्क ही ढेली पीते हैं। फिर अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं बोलती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर नहीं बनाऊँ, आज भूख नहीं है, तो फिर काजल खाती है, काजल को भूख लगी तो काजल बोलेगी मम्मी मैगी बनाओ, मोस्टली उसको भी मैगी ही पसंद है, मैगी ही खाती है, मैगी इजी फटाफट बन जाती है। मुझे लगता है ऐसा इवनिंग ये टाइम पे बाद का बाद इतना रिलैक्स होती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है आफ्टरनून के बाद खाना खाया तो अभी मेरा रात तक मैं रेस्ट ही रेस्ट है, मुझे कुछ इतना काम नहीं है। नाइट में भी खाना बना के बस अपना किचन क्लीन कर दो, बाकी सुबह में थोड़ा ऐसा होता है उठने से 9 बज जाएंगे 9:15 बजे आंटी आ जाएंगे तो उसके बाद ऐसा दौड़ना पड़ता है, पूरे घर का काम करो, जब तक आंटी है उसके अंदर ही मुझे सब पूरा बेडशीट लगानी है या अपना फर्नीचर क्लीन करना है, डस्टिंग करनी है, सब जो मेसी घर है वो हटाओ, उसके बाद ऐसा लगता है आज तो ऐसा लग रहा है आज तो घर अभी भी मैंने सुबह में क्लीन किया है उसके बाद भी मेरा घर अभी थोड़ा मैसी हो गया है, अभी उठ के इवनिंग में वो सब अरेंज करने पड़ेंगे मुझे। इवनिंग में तो ऐसे थोड़ा जहाँ पे खाते हैं वही बेडशीट करती हूँ, जब ऐसे कभी ऐसा लगता है बाहर सामान वापस आ गए, कोई चीज़ कहाँ पे याद आती है, फिर उठ के वो भी बोलती हूँ चलो ठीक है अरेंज कर देती हूँ। इवनिंग में अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे सब यहाँ वहाँ पे सामान बिखरे पड़े रहे, मुझे घर में अच्छा ही नहीं लगता है, थोड़ा ही दिखेगा कुछ यहाँ वहाँ सामान पड़े उठाने बैठ जाती हूँ मैं, बोली नहीं अपनी जगह पे जाए, सब सामान बंद हो जाए, घर ऐसा खाली खाली लगे। ये दोनों काजल और अभी तो चलाते, तेरा तो बस चले ना तो तू फर्नीचर भी फोल्ड करके वॉलड्राप में रख दे तो पूरा घर तेरे को खाली लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हो वहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ा हो। और अभी मैं सो जाऊंगी, उसके बाद इवनिंग में आपसे उठ के नींद से उठ के बात करूंगी। नींद से उठी हूँ, चाय पी, आज मैंने ड्रेस अच्छा पहना था तो काजल ने बोला मम्मा पिक निकाल रही हूँ तेरी, तो फिर रेडी हुई वापस से, मैंने थोड़ा लिपस्टिक लगाया, क्रीम तो सुबह में वही बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ा लिपस्टिक थोड़ा टचअप किया, क्यों तो क्या होता है ना सुबह नहा के अगर जिस दिन मैं लिपस्टिक लगाती हूँ शॉवर करके लिपस्टिक लगाती हूँ इवनिंग तक मेरी लिपस्टिक लाइट हो जाती है, बहुत अच्छे से खा लेती हूँ लिपस्टिक को, और रात होते होते पूरे होते 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 मेरी लिपस्टिक पूरी ही उतर जाती है, मेकअप पूरा ही अच्छे से खा लेती हूँ मैं, पूरा खाने के साथ साथ लिपस्टिक भी खा लेती हूँ। उठने से फिर चाय पिया तो बकाजे ने बोला पिक निकालते, फिर मैंने बोला लिपस्टिक लगानी पड़ेगी मुझे, और तो कुछ नहीं हेयर अच्छे बनाते, थोड़े एक्सटेंशन ये पहन लिए मैंने, लिपस्टिक लगा ली, फिर पिक निकाला, इंस्टा इंस्टा पे भी पोस्ट करूंगी और FB पे भी पोस्ट किया, तो थोड़ा चेंज चेंज करके मेरे पे अच्छे से निकाले, मैं बोल रही थी मम्मी आज अच्छा ड्रेस पहन के बैठे हो, अच्छे अच्छे लग रहे हो, रेडी होके पिक निकालो, कितनी देर बैठ के वो पिक निकाली, फिर काजल सेलेक्ट करती है उसमें से कौन सी पिक अच्छी है, इतने पिक निकाले 8 10 पिक निकालो, उसमें से काजल एक दो सेलेक्ट करती है, मम्मी ये रखना है पिक ये अच्छा, अभी भी अभी तक आए नहीं है,
तो अभी वो भी आ जाएंगे, उसके बाद फिर मिल्क पीऊंगी नाश्ते की। तो भूख बिल्कुल भी है ही नहीं मुझे, इन्होंने खाया तो मैं इनको बना के दूंगी, और काजल ने भी खाया तो फिर बनाऊंगी नाश्ता, अगर नहीं तो फिर मिल्क ही पी लूँ। तो ये ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आ गए अभी भी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो न्यू आए हैं इस ब्लॉग में वो मेरे पहले वाले ब्लॉग भी लाइक करना, उसको कमेंट भी करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर लविंग मी। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।